स्वयं जो पार्टी डूबी है तो लालचा आरोप लगाना तो उनका काम है। आज देश में बहुत सारे राष्ट्रीय लेवल पार्टी है, तो मेरा यही उद्देश्य है कौन डूबा हुआ पार्टी है कौन नहीं डूबा हुआ पार्टी जनता जान रही है। तो भाजपा से हम लोग काफी जुड़े हुए थे, लेकिन भाजपा में मान सम्मान हम लोग को उस तरीके नहीं मिला। तो जो हमें प्यार मिला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू जी की तरफ से, तो सहारना वाले चीज यही देखते हुए हम ये जेडीयू ज्वाइन किया। आज महंगाई कहाँ पे चली गई, रोजगार नहीं है, 2 करोड़ नौकरी देंगे भाजपा बोली, सरकार बनेगी 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, आदमी जब स्वर्गवास हो जाएगा तब अच्छे दिन आएंगे। नीतीश कुमार की शराबबंदी अच्छी देखिए, हम इसके लिए तो मैं बहुत सराहना करता हूँ। 70 लाख का ड्रोन गायब हो गया, गायब देखिए अभी बहुत है, आप ये आरोप लगा रहे ड्रोन के 70 लाख का गायब हो गया, भाजपा राज्य में गायब नहीं हुआ है, हुआ है तो किसी पे देखिए ये कि शराबबंदी पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है नहीं है। आज अभी एक बात बताइए, जब से शराबबंदी 2016 से हुई, अप्रैल से हुई है, 2016 से हुई है, आज बिहार में क्राइम कंट्रोल है कि नहीं? आज पंकज सिंह जो है वो बीजेपी छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया, अभी हमारे साथ बात करने के लिए पंकज सिंह। पंकज सिंह आप बीजेपी के सदस्य थे पहले और कार्यकर्ता थे, और वहाँ छोड़ करके जदयू ज्वाइन, जो कहता है बीजेपी के कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि वो डूबती हुई नाव है, उसको आपने थामा है। जो पार्टी स्वयं डूबी हुई है, स्वयं जो पार्टी डूबी है तो लालचा आरोप लगाना तो उनका काम है। आज देश में बहुत सारे राष्ट्रीय लेवल पार्टी है, तो मेरा यही उद्देश्य है कौन डूबा हुआ पार्टी है कौन नहीं डूबा हुआ पार्टी जनता जान रही है। जनता सारी चीज़ देख रही है, जनता को आप जितना बेवकूफ बनाना था बना लिए, लेकिन आज जनता सतर्क हो चुकी है। तो मेरा यही उद्देश्य है माननीय श्री मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री हमारे अब बिहार में जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्य देखते हुए हम जेडीयू ज्वाइन किए। और मैं एक राष्ट्रीय हिंदू संगठन भारत रक्षा मंच, हिंदू भारत में है राष्ट्रीय लेवल और नेपाल रक्षा मंच है, उसके पूर्व RSS के सूर्यकांत केलकर जी के संगठन हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, रह चुके हैं, उन्हीं का ये भारत रक्षा मंच हिंदुत्व का है। तो भाजपा से हम लोग काफ़ी जुड़े हुए थे, लेकिन भाजपा में मान सम्मान हम लोग को उस तरीके नहीं मिला। तो जो हमें प्यार मिला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू जी की तरफ से, तो सहारना वाले चीज यही देखते हुए हम ये जेडीयू ज्वाइन किया आज। तो और दूसरी बात ये है, किसी का डूबता हुआ नाम बोलने से पार्टी बहुत सारे लोग छोड़ के गए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया है और वो अन्य पार्टी में जाके भाषण दे कि डूबती हुई नाव है, तो समय बताएगा डूबती हुई नाव कौन है, भाजपा है या अन्य पार्टी है। तो किसी का आरोप लगाने से पार्टी डूबता हुआ नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री का लोकप्रिय इतना है देश में, आज वो सब राज्य घूम रहे हैं, उनको समर्थक मिल रहे हैं, और हम जैसे लोग आए, हमारी टीम भारत रक्षा मंच की पूरी टीम जेडीयू ज्वाइन की हुई है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे जेडीयू ज्वाइन करने का मौका मिला। क्या लगता है, जैसे कि आपके नेता जो नीतीश कुमार है वो अभी लगातार विपक्षी एकता को लेकर के घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनने के ख्याल से घूम रहे हैं? नहीं नहीं, उनका ये उद्देश्य नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। जो उनको आरोप लगा रहे हैं उनका यही कहना है, देश को मतलब ये भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना और एक अच्छी सरकार बने जनता। महंगाई कहाँ पर चली गई, रोजगार नहीं है, 2 करोड़ नौकरी देंगे भाजपा बोली, सरकार बनेगी 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, आदमी जब स्वर्गवास हो जाएगा तब अच्छे दिन आएंगे। हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? आज से तो राइटिंग में तो नहीं दिए उन्होंने अच्छे दिन, तो हम भी बोलेंगे कि कल अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब आएगा वो गारंटी नहीं है। तो किसी का आरोप लगाने से नहीं, आपने 2 करोड़ रोजगार दिए क्या? नहीं दिए। आज बेरोजगारी चरण स्पष्ट पे है, आज कोई गरीब भी है उत्पीड़न हो रहा है, तो ये शोषण कब तक चलेगा? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सरकार जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। जनता कहाँ जाएगा, अगर सरकार कोई हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, तो जनता की आवाज़ जब सुनेंगे ना। आप एक बार आप सरकार सत्ता में आ गए तो आप क्या कर रहे हैं, अन्य पार्टी को बदनाम कर रहे हैं कि डूबता हुआ नाव है, तो आपके बोलने से डूबता हुआ नाव नहीं होगा, वो तो जनता देख रही है, हम आप सब देख रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री का सराहना मैं करता हूँ, और उनका एकदम एकजुटता जो है चल देश में चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और वो सफल भी हो रहा है, इसी के लिए आज हम जेडीयू ज्वाइन किए। उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू में थे, वो भी जेडीयू से हट गए, RCP सिंह थे वो भी हट करके बीजेपी के दामन थाम लिए, लेकिन आप बीजेपी से जाकर के जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो या RCP सिंह जी हो, आज वो जेडीयू में थे, आज जेडीयू में थे वो, कल आज भाजपा में चले गए। देखिए जब तक नीतीश कुमार कब तक जेडीयू कब तक अच्छी थी, जब तक आप उनके आप उनसे मतलब जेडीयू आपके लिए कार्य कर रही थी,
उसके बाद में आपको अगर राज्यसभा नहीं बनाया गया या नहीं बनाया गया उसके बाद आपको लग रहा है कि पार्टी ने मुझे वर्जस नहीं दिया, तो आप आरोप लगा रहे, तो आपके आरोप लगाने से जनता देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री तो ठीक है, सत्ताधार पार्टी है, लेकिन जनता तो देख रही, जनता तो देख रही है, तो ये चीज़ को उनको ये समझनी चाहिए। पहले जेडीयू अच्छी थी और आज खराब हो गई, ये कहाँ की छवि होगी। अच्छा, नीतीश कुमार के शराबबंदी को किस स्तर से देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार की शराबबंदी अच्छी है, देखिए हम इसके लिए तो मैं बहुत सराहना करता हूँ, लेकिन 70 लाख का ड्रोन गायब हो गया। गायब देखिए, अभी बहुत ही आप ये आरोप लगा रहे, ड्रोन के 70 लाख का गायब हो गया, भाजपा राज्य में गायब नहीं हुआ है, हुआ है तो किसी पे, देखिए ये शराबबंदी पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है नहीं है। आज अभी एक बात है, जब से शराबबंदी 2016 से हुई, अप्रैल से हुई है, 2016 से हुई है, आज बिहार में क्राइम कंट्रोल है कि नहीं? कितने बिहार में क्राइम कंट्रोल है, कितने घर शिक्षित हो गए। पहले आदमी कमा के आता था, सारे पैसे दारू में लगा देता था, पहले आते थे सारे पैसे दारू में लगा देता था, आज उसी का घर खुशहाल है। ये हमारा पूरा समर्थन है शराबबंदी के लिए, और शराबबंदी पूर्ण सफलतापूर्वक है, किसी का बदनाम करने से बदनाम नहीं होगी जेडीयू पार्टी, ये मेरे कहना है। पंकज सिंह, देखिए अभी हमारे साथ पंकज सिंह थे, ये बीजेपी को दामन छोड़ करके यानी कि जेडीयू का दामन थामे हैं और हमारे साथ बात कर रहे थे। आप देख रहे थे जनता दर्शन, किनाराम ऋषि।